दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट शब्द चिन्ह लेकर आया हूँ। इन शब्द चिन्हों को अभी मैं आपको शॉर्ट में बना के बताऊंगा, उसके बाद में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिए, वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो शब्द चिन्ह है वह है इतना ही नहीं। बहुत ही ध्यान से देखिए, बनाएंगे हम इतना ही नहीं। इसके बाद में हमारा जो शब्द चिन्ह है इतना ही नहीं बल्कि और, इसको लिखेंगे इतना ही नहीं बल्कि और। इसके बाद में जो हमारा शब्द चिन्ह आएगा वो है लिया जा सकता है, तो इसको लिखेंगे ऐसे लिया जा सकता है। आगे हमारा शब्द चिन्ह आएगा मैं जानता हूं कि, इसको बनाएंगे मैं जानता हूं कि। इसी प्रकार से हमारा जो शब्द चिन्ह है वो है काम कर रहे हैं, तो इसको बनाएंगे हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से आगे हमारा अत्यंत आवश्यक है, इसको किस प्रकार से अत्यंत लाइन काट के आवश्यक है। इसके बाद में हमारा जो शब्द चिन्ह आएगा वह है नितांत आवश्यक है, तो इसको बनाएंगे हम नितांत आवश्यक है। इसके बाद में हमारा शब्द चिन्ह आएगा निवेदन करना चाहता हूं, तो इसको बनाएंगे हम निवेदन करना चाहता हूं। इसी प्रकार से आगे हमारा शब्द चिन्ह है इस बात की आवश्यकता है, तो इसको लिखेंगे हम इस बात की आवश्यकता है कि, इस बात की आवश्यकता है कि। इसके बाद में हमारा शब्द है शब्द चिन्ह आएगा राष्ट्रीयकरण, तो इसको लिखेंगे हम राष्ट्रीयकरण। इसी प्रकार से हमारा जो शब्द चिन्ह है वह है सांप्रदायिकता, इसको बनाएंगे सांप्रदायिकता। इसी तरह से हमारा जो शब्द चिन्ह है वो आएगा नौकरशाही रही है, नौकरशाही रही है। आगे हमारा शब्द चिन्ह है गलतफहमी हो रही है, तो इसको लिखेंगे गलतफहमी हो रही है। इसी प्रकार से आगे हमारा शब्द चिन्ह है लेकिन जहां तक हो सके, इसको बनाएंगे लेकिन जहां तक हो सके, लेकिन जहां तक हो सके। इसके बाद में हमारा शब्द चिन्ह आएगा सोची समझी साजिश, इसको बनाएंगे हम सोची समझी और ये साजिश। इसके बाद में शब्द चिन्ह हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसको कैसे लिखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस। इसके बाद में हमारा शब्द चिन्ह आएगा गुजारिश कर रहा हूं, तो इसको लिखेंगे गुजारिश कर रहा हूं। लास्ट में हमारा शब्द चिन्ह है ईमानदारी के साथ, तो इसको बनाएंगे हम इस प्रकार से ईमानदारी के साथ। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ शब्द चिन्ह हैं वो बना के बताए हैं। इन शब्द चिन्हों को आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड लिखने में आसानी होगी और आपकी शॉर्ट हैंड की गति निश्चित ही बढ़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।